हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 मुकाबला। लाल किले के बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था। दरबार के बीचों बीच मंच बना था, जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। इसमें एक भयंकर शेर बंद था, जिसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप रहे थे। ऐसे भयंकर शोर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़कर लाए थे। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों को सांप सूंघ गया, सबकी जवानों पर ताले लग गए। अचानक महाराज जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले, जहां बना मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहां पना, महाराज जसवंत सिंह ने गर्व से बताया। महाराज की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वह बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर से पिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, शर्त मंजूर है। औरंगजेब ने चुनौती दी। मंजूर है जहां पना, महाराज ने कहा। दूसरे दिन शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहादुर उतावले हो रहे थे। दरबार में काफी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराज बेहद शान से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराज के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर से कहा था, महाराज के साथ केवल उसका किशोर पुत्र था जो देखने में पराक्रमी लग रहा था। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँपनाह, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुराया कर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर हताशे में घुस गए।